Hello students, welcome to VN Science, and in this particular video we are going to discuss Standard 9 Science Chapter Number 8 Useful and Harmful Microbes A Exercise Solution. So let us discuss about it. So let us see the question number 1 here. Complete the statements using proper options from those given below. तो यहाँ पर हमें ना ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को. क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय डैश मेथड. तो द आंसर इज बडिंग मेथड. बडिंग मेथड क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कि द ईस्ट सेल्स डेवलप स्मॉल राउंड बॉडीज ऑन पेरेंट सेल. ये जो है ना ये पेरेंट बॉडी है एंड ये पेरेंट बॉडी से एक बड निकलता है छोटा सा. इनिशियली तो स्मॉल होता है बट जैसे जैसे वो पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन गेन करता है वो लार्ज होता है एंड एक पॉइंट पे वो अलग होके एक सेपरेट पूरा ईस्ट सेल अलग से वो बन जाता है. ऐसे करके जो ईस्ट सेल है वो मल्टीप्लाई करते हैं और इनको क्या कहते हैं, बड कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, न्यू डॉटर सेल्स डेवलप फ्रॉम दिस बर्ड्स. So, is reproduced asexually by budding method. Question number 2, toxins of fungal origin are called as mycotoxins. So, जो fungus है वो mycotoxins release करता है जो poisonous chemicals हैं into the food by fungi. This makes food poisonous. So, we should not consume those food जिसपे fungus ने attack किया है. ऑब्वियसली वो टॉक्स पॉइजनस हो जाएगा फिर. क्वेश्चन नंबर 3, लेगनस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स ड्यू टू. आंसर है राइजोबियम. क्यों, एक्सप्लेन करता हूँ जरा. देखो जो प्लांट्स प्रोटीन बनाता है उसमें नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन मतलब चाहिए प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए. अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 गैस में एग्जिस्ट करता है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो वहां पर मैंने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस किया हुआ है. तो जो N2 गैस है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता. हम एनिमल्स प्लांट्स उसके डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते N2 गैस को. तो इसकी इंडस्ट्रियल और नेचुरल बायोलॉजिकल मीन से क्या होती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है. सबसे पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जैसे कि NO2 एंड आपने वो वीडियो देखी हुई तो आपको बताया. तो जो ऐसे कंपाउंड्स है प्लांट इसको इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है. तो जो राइजोबिया बैक्टीरिया है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रूट्स में रहता है प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है. साथ में एक इनका होता है कि एक रिलेशन. तो राइजोबिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स N2 गैस को फिक्सेशन करके NO2 ऐसे कंपाउंड्स में प्लांट्स को प्रोवाइड करता है एंड प्लांट उसे अब्सॉर्ब करके प्रोटीन्स बना देता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ माइक्रोब्स फाउंड इन फॉलोइंग फूड मटेरियल्स. तो यहाँ पर हमें कुछ फूड मटेरियल्स के नाम है, हमें बताने कि कौन से माइक्रोब्स इनमें फाउंड होते हैं क्योंकि उनके हेल्प से ही ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. सबसे पहला है नेम ऑफ द फूड योगर्ट और माइक्रोब है उसमें लैक्टोबैसिली. सेकेंड इज ब्रेड ईस्ट. थर्ड रूट नोड्यूल्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके रूट नोड्यूल्स में ये रहता है राइजोबियम. इडली ईस्ट बैक्टीरिया, डोसा ईस्ट बैक्टीरिया, boiled potato curry Clostridium. Question number 3, identify the odd one out and say what it is, why it is the odd one. Sabse pehla question, pneumonia, diphtheria, chickenpox, cholera. Odd one out yahan par hai chickenpox, kyunki jo chickenpox hai wo virus cause karta hai, lekin jo baki disease hai pneumonia, diphtheria and cholera, these are caused by bacteria. So the chicken pox is the odd one out.
क्वेश्चन नंबर टू, लैक्टोबैसिली, राइजोबिया, ईस्ट, क्लॉस्ट्रिडिया। द ऑड वन आउट इज ईस्ट, क्योंकि ये एक फंगस है, लेकिन जो बाकी सारे लैक्टोबैसिली, राइजोबिया, क्लॉस्ट्रिडिया आर बैक्टीरिया, बट ईस्ट इज फंगस। क्वेश्चन नंबर थ्री, रूट रॉट, रस्ट, टेम्बेरा, रुबेला, मोज़ेक। द आंसर इज रुबेला, क्योंकि ये जो डिजीज है वो ह्यूमंस की डिजीज है, ह्यूमंस और एनिमल्स में प्रीडोमिनेंटली होता है, बट जो बाकी के जैसे कि रूट रॉड है प्लांट से रिलेटेड, रस्ट एंड मोज़ेक, दिस आर रिलेटेड विद प्लांट्स, तो दिस आर द प्लांट डिजीज, बट रुबेला इज प्रीडोमिनेंटली डिजीज ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर फोर, गिव साइंटिफिक रीजंस। नंबर वन, फोम एक्युमुलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ दाल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन समर। नंबर वन पॉइंट ये है कि जो दाल है वो रिच इन प्रोटीन्स होता है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दाल इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बैक्टीरिया अटैक करता है एंड कॉज फर्मेंटेशन रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो द थिंग इज कि जो बैक्टीरिया है उसने अटैक किया, और फर्मेंटेशन किसकी हो गई, प्रोटीन्स की, तो फर्मेंटेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। दीज एस्केपिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्युमुलेट ऑन द सरफेस, एक फोम जैसा क्रिएट होता है, ऑब्वियसली गैस मिक्सचर होगा पूरा। देयरफॉर फोम एक्युमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन समर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स केप्ट विथ क्लोथ्स टू बी पट अवे। क्यों हम मॉथ बॉल्स और नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं कबोर्ड में या क्लोथ्स स्टोर करने के लिए। नंबर वन पॉइंट इज नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन एंड एक्ट एज केमिकल पेस्टिसाइड एंड डिओडोरेंट। दे हेल्प टू किल और रिपेल इंसेक्ट्स सच एज मॉथ्स, कॉकरोचेस, माइस एंड प्रिवेंट क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज। तो ये किल कर देता है और रिपेल करता है जो भी इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच, माइस एंड मॉथ, इसलिए इसे मॉथ बॉल्स भी कहते हैं। सो ये सॉलिड होता है, नेफ्थलीन बॉल्स आर सॉलिड, बट सब्लिमेशन का मतलब ये कि सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड विद टाइम इट गेट डिसअपियर। देयरफॉर नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट विद क्लोथ्स टू बी पुट अवे। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट। मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स, कॉम्ब और वट एवर एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो इन्फेक्टेड पर्सन ने उस ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है, और वही अगर किसी और नॉर्मल पर्सन ने टच कर लिया तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्रिवेंटिव मेजर, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच अप द पेयर्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो द आंसर इज वन बी, राइजोबिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन एज आई सेड अर्लियर। टू ए क्लॉस्ट्रीडियम, फूड पॉइजनिंग। पेनिसिलियम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ईस्ट बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला है व्हाई, विच वैक्सीन्स आर गिवन टू इन्फेंट्स एंड व्हाई। हम वैक्सीन्स क्यों देते हैं इन्फेंट्स को, और क्यों देते हैं, कौन से देते हैं और क्यों देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम कौन से वैक्सीन इन्फेंट को देते हैं, हेपेटाइटिस ए बी के, डिप्टेरा, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, मिजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, बीसीजी, रोटा वायरस, ये सबके वैक्सीन हम इन्फेंट्स को देते हैं ताकि इनको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए ना। ऑब्वियसली दे आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, दे शुडंट गेट एनी डिजीज। अब बात है कि वैक्सीन्स होते क्या हैं। वैक्सीन्स डेड
या वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है ना, उसको हम या तो लैब में किल कर देते हैं, या तो उसको इतना कमजोर बना देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, बॉडी में चलेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम उसे हमारे बॉडी में एंट्री कराते हैं। जब ये हमारे बॉडी में जाता है, व्हेन दीज आर स्वॉलर्ड और इंजेक्टेड, इंजेक्शन से हम देते हैं, या फिर पोलियो आपने देखा होगा, ड्रॉप्स लेते हैं उसके, तो जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक्स टू फाइट देम। तो बॉडी को पता चलता है यार ये तो कोई बाहर का ऑब्जेक्ट है, इसको हमें मार के खत्म करना होगा। सो बॉडी में एंटीबॉडीज आती हैं कि हम इसे फाइट करेंगे, और ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, या तो ये डेड है या तो बहुत वीक है, ये कुछ नहीं कर सकता। और जब यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम हमारे पे अटैक करता है ना, तो बॉडी के पास ऑलरेडी आर्मी मैन है वो पर्टिकुलर माइक्रोब से लड़ने के लिए, तो वो फिर अगर मैं असली वायरस आ गया ना या असली माइक्रोब, तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आर्मी मैन है हमारे पास। एंटीबायोटिक्स की, एंटीबॉडीज की बात कर रहा हूँ मैं। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक। पूरा लाइफ फ्यूचर अटैक में कभी भी कर दें, कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, देयरफॉर वैक्सीन्स आर गिवन। तो बहुत जरूरी है इन्फेंट्स को वैक्सीन देना फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज, उनको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, अब कि एक वैक्सीन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैक्सीन्स आर मेड यूजिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरस, बट इन अ फॉर्म ऑफ दैट इट डिड नॉट हार्म द ह्यूमन बींग्स। हमें वो हार्म नहीं कर सकता, मैंने जैसे बताया वीकेंड होगा, बहुत वीक होगा, या वो डेड ही होता है। वैक्सीन इज मेड फ्रॉम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स और देयर टॉक्सिन्स भी हम काफी बार यूज कर लेते हैं, ताकि उनके पता चल जाए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पता चल जाए। वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स विच गिव लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर वो दोबारा अटैक करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में हैं, इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है। और ये जो वैक्सीन होते हैं ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक वैक्सीन लगाओ सारे डिजीज से फ्री हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हर एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कोविड का भी था। हाउ डू एंटीबॉडिक्स एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज? तो जो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो हम डेली लाइफ में कभी खाते हैं, मेडिसिन। तो ये मेडिसिन है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय करते हैं, अटैक करते हैं किस पे, बैक्टीरिया पे। अगर हमें कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी हो जाए जो बैक्टीरिया ने कॉज किया, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मेडिसिन सही है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंड वी आर क्योर, हम ठीक हो जाते हैं फिर, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो एंटीबायोटिक्स आर कार्बन कंपाउंड से, ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम यूजफुल बैक्टीरिया फंजाई से वो कार्बन कंपाउंड लेते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को हमारे बॉडी में उसे किल कर दिया जाता है बाय दिस मेडिसिन। आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स द सेम? क्यों? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए किल करते हैं, डिपेंड नहीं करता कि वो ह्यूमन में अटैक कर रहा है या फिर वो एनिमल में अटैक कर रहा है, लेकिन अटैक तो वही कर रहा है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया वो तो सेम है। बट कुछ ऐसे बट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर बेटर सूटेड फॉर ह्यूमंस वाइल सम आर बेटर फॉर एनिमल्स। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस की ह्यूमंस के लिए कुछ स्पेसिफाइड है, एनिमल्स के लिए अलग से हो सकता है वहाँ पे डिविजन्स, बट इन जनरल मोस्टली सेम। दिस इज ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, डिफरेंस कभी कभी आ जाता है क्योंकि रिएक्शन करती है बॉडी उसके अगेंस्ट में ना, डिफरेंट स्पीशीज में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और डोसेज भी इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या मेडिसिन, डोसेज भी इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन्स के लिए, डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेफली स्टोर द पैथोजेंस ऑफ डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीन आर टू बी प्रोड्यूस। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर वायरस है सपोज,
उसके हमें वैक्सीन बनाने, तो उसको पहले वायरस को स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्यों? सेफली स्टोर करके रखना पड़ेगा। पैथोजेंस आर माइक्रोब्स विच कैन कॉज डिजीजेस इन अस। पैथोजेंस वैसे माइक्रोब्स हैं हार्मफुल वाले जो हमारे बॉडी में डिजीज करेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कल्चर्ड, उसको लैबोरेटरी में ग्रो करते हैं, उसको स्टडी करते हैं ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर पैथोजन को। तो इफ दिस पैथोजन आर नॉट सेफली स्टोर, अगर इसको सेफली स्टोर नहीं किया, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड डिक्रीजिंग इन रिजल्ट, डिक्रीज कर देगा एफिशिएंसी ऑफ द वायरस। और ये आउटब्रेक अगर हो गया इसका तो एस्केप करके डिजीज कॉज कर देगा ना, स्प्रेड हो जाएगा लाइक कोविड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर इन लैबोरेटरी, सेफली स्टोर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स समझ आ गया, जो मेडिसिन है बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट वो मेडिसिन हमें हेल्प करता है फाइट करने में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि अगर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो अगर आप खाते हो तो जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए काम करे, वो 10 बैक्टीरिया, 100 बैक्टीरिया, 1000 बैक्टीरिया के लिए भी काम कर सकता है। सो एक ब्रॉडर वाइड का मतलब कि एक नहीं बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एक्ट कर सकता है। अगर मैं नैरो स्पेक्ट्रम की बात करूं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक दो के लिए स्पेसिफिक होगा वो, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा के लिए, वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को ये डील कर सकता है। व्हेन द पैथोजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर विजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज। जब डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता है कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं ये किस बैक्टीरिया ने किया है, काफी बार नहीं पता चलता, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती, तो हम कैसे एश्योर हो कि ये वाले बैक्टीरिया ने किया है। सो वी गिव, हम क्या कंज्यूम करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एम्पिसिलीन, अमोक्सिसिलीन, टेट्रासाइक्लीन। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा वो किल अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फर्मेंटेशन? ईस्ट यूज करता है शुगर फॉर फूड, उसे फूड चाहिए तो शुगर उसका फूड है। ईस्ट ग्रोस एंड मल्टीपल मल्टीप्लाई रैपिडली ड्यू टू कार्बन कंपाउंड्स इन शुगर सोल्यूशन। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन ईस्ट सेल्स कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड इन टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज द मिल्च, मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को, इनटू लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्वियसली, जैसे कि ई सेल उसने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड ऑल्सो जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली उसने कन्वर्ट किया लैक्टोज मिल्क शुगर को जो कि कार्बोहाइड्रेट है इनटू लैक्टिक एसिड। इससे कन्वर्जन को वी कॉल इट फर्मेंटेशन, एंड समटाइम्स फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंटीबायोटिक। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया इसको। कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी हैव ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ऑब्वियसली एक बहुत एसेंशियल डिस्कवरी है ये एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, मेनली एक्ट करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बट सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा एक हार्मफुल कंसिडर कर सकते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अलग है, प्रोटोजोआ अलग है। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ, जैसे कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूजफुल कर सकते हैं उसे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलीन,
अमोक्सिसिलिन जो लास्ट स्लाइड पे बताया हमने, व्हेन द पैथोजन के नॉट बी आइडेंटिफाइड, ऑब्वियसली वही पॉइंट है कि जब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि किस बैक्टीरिया ने वो कॉज किया है, सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। वेन एवर अ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन देन नैरो स्पेक्ट्रम, मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि जब पता है कि ये वाले बैक्टीरिया ने ही, ये वाले पैथोजन ने डिजीज कॉज किया है, सो वो पर्टिकुलर के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं विच आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। सो दिस इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड एक फन फैक्ट है इनके बारे में, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंड एक रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए वी सल्यूट हिम, एंड ये कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video.